पापा जी देखो ना इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया, ये देखो ना मुझे यहाँ बांध के रखा है। पापा जी इनको जितने पैसे चाहिए आप इन्हें दे दो ना। कट 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 यार, क्या हुआ, कितनी बार हो गया अभी तो देखिए रटा रटा बोल रहे हो तुम। तू रियलिस्टिक एक्टिंग करनी है, एक्टिंग की बाल्टियां नहीं भरनी है। शांतनु ने कितना कमाल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सिचुएशन समझोगे तो अपने आप अच्छी एक्टिंग आएगी ना। प्लीज मैन शांतनु, व्हाट डू यू थिंक? क्या ठीक कर रहा है, थोड़ा बेटर करेगा, हम सिखाएंगे उसे। तुम बैठो और एक्टर से काम कराना है, डायरेक्टर का काम है। अक्षय तू थोड़ा रिलैक्स कर, थोड़ा सा बॉडी। हाँ भाई तुम लोग रिलैक्स ही कर लो, नहीं मतलब कर लो तुम लोग रिलैक्स यार, मैं आज के डबल चार्ज मारूंगा। अरे सुबह से एक सीन ना हो रहा है यार तुम लोगों से। यार यार मैं सच में अपनी बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ क्या? अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है शांतनु भाई से पूछ, या खड़े खड़े हाथ दुख के उल्टी बातें कर रहा है मेरे सामने। ओए तू बात कैसे कर रहा है मुझसे? ओए तू एडी है कि चपरासी, तेरा कोई ओपिनियन नहीं है? ओए एक्टिंग सीख क्या टेक पर टेक दे जा रहा कब से? ओए बात कैसे कर रहा तू मुझसे? तो जैसे बहुत हीरो आता है कुछ। यार चुप करो यार। विक्की सर Let's start a fresh, okay? Situation को समझो। तुम kidnapped हो, अपने बाप को फोन कर रहे हो, भीख मांग रहे हो कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। ओ, क्या कर रहा है यार? उस पे लाइन मार रहा है, कैमरा रोल कर। पता नहीं यार क्या होने वाला है आगे, तुम जिंदा बचोगे मरोगे क्या होगा, you never know। रोल कैमरा। रोलिंग एक्शन। पापा जी इन लोगों ने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है, पापा जी आप प्लीज आके मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे बहुत मारा है, मुझे मुझे बांध के रखा है यहाँ पर, आप इनको जितने पैसे चाहिए ना उतने पैसे दे दो, लेकिन मुझे आके बचा लो बाबा जी प्लीज। बाबा जी आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज बाबा जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पापा जी मैं सिर्फ एक्टर नहीं स्टार बनना चाहता हूँ, फिल्मों में काम करना मेरा पैशन है, मेरा सपना है पापा जी। पापा जी हर कोई मेरी एक्टिंग की तारीफ करता है, सिर्फ आप ही को दिक्कत है। हाँ दिक्कत है क्योंकि मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये मोहल्ले में रामलीला में एक्टिंग करके कॉलेज के नाटकों में काम करके कोई बड़ा एक्टर नहीं बन जाता। ये एक्टिंग एक्टिंग का राग अलाप ना छोड़, कुछ ढंग का काम कर। की गल कर रहे हो जी, काम करने में कौन सी उम्र निकली जा रही है भाई, इतना तो है एक्टिंग का शौक है तो कर लें दो ना। जब मैं 18 का था ना मेरे पियो ने मेरे हाथ में स्टेयरिंग थमा दी थी, ये ट्रेवल एजेंसी अपने बूते पे खड़ी किया मैंने। सुन जितनी ऐश तूने करनी थी ना कर ली, अब धंधे पे लग जा। मैंने ना हीरो बनना है पापा जी, और वो मैं आपको बन के दिखाऊंगा। लड़का कुर्सी से बंधा हुआ है, बेबस लाचार, कुछ किडनैपर्स उस पे बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहे, उसे मार रहे हैं, थिश थिश। उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसके बाप को भेजते हैं, उसका बाप वीडियो देखते ही परेशान हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। हम वापस आते हैं, हम देखते हैं किडनैपर्स अभी तक उस लड़के को उतना ही टॉर्चर कर रहे हैं। अब देखना ये है, बाप अपने बेटे को बचाने के लिए पैसे देता है या उसे ऐसे ही मरने देता है, ये है इस फिल्म का इंटरवल पॉइंट। शांतनु भाई मैं मान गया, मतलब कमाल, मतलब इससे कमाल कुछ हो ही नहीं सकता। तू सीन बता रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे भाई, ये देख। अब भाई इस सीन में मैं लगाऊंगा लो एंगल शॉट। हाँ। राउंड ट्रॉली घूमेगी, हीरो जब अपने बाप से पैसा मांगता है पापा मुझे बचा लो, रो देगी भाई ऑडियंस। देखियो हेमंत डिट्टो ऐसे ही करेंगे भाई, ऐसा ही करेंगे डिट्टो, देखियो तू। हेमंत कितना कमाल शॉट डिजाइन किया तूने, खामखा डरता रहता है मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई अपने टैलेंट का तो मेरे को बहुत पहले से पता है, लेकिन बात वही है ना आज तक कभी चांस नहीं मिला, मिलता भी कैसे, ये फैमिली का चक्कर, उस चक्कर में ये वीडियो शूट करता रह गया मैं, ये फिल्म वाला सपना तो कहीं पीछे ही छूट गया। अब पूरा होगा हेमंत, बाय द वे मैं तुमको बता दूं नीता को तुम पे बहुत भरोसा है, उसको पूरा यकीन है कि तुम इस फिल्म को बहुत क्लासिक शूट करोगे। भाई भरोसा तो मेरे को भी अपने आप पे बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई तेरे को एक बात बोलनी है भाई। हाँ बोल। यो फिल्म मैं पैसे के बिना शूट ना कर पाऊंगा, अरे इतना बड़ा परिवार है और अकेला कमाने वाला मैं हूं। देख हेमंत
नीता को छोड़ के हम सब फुक रहे हैं, कुछ पैसे नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ी तो मेहनत कर लें। और हाँ, थोड़े पैसे नीता के घर से आते हैं, बाकी वो खुद ब खुद कमाती है। ऊपर से उसने अपना घर भी दे रखा है फ्री में शूटिंग करने के लिए, प्रा थोड़ी मेहनत कर लें। शांतनु भाई बैठे हैं ना, इन पे मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को पता है कि एक ना एक दिन ना ये हमारी गाड़ी ना पार निकाल देंगे। और हेमंत, आज नहीं तो कल कोई ना कोई फाइनेंसर मिल जाएगा, हम पहले काम तो शुरू करें। भाई ये देखो, इनमें चोमू टाइप का लग रहा है, ये देखना इधर। भाग साला, एक बिलोंडा ठीक शक्ल का लेके नहीं आयो, सब अपने जैसे ले आयो, एक्स फैक्टर नाम की चीज ही नहीं है। गेट खोल। हाँ भाई। हाय हाय अक्षय। विक्की। हाय विक्की, यहाँ पे कुछ कास्टिंग चल रही है? हाँ चल रहा है। अच्छा वो ना, मैं अपनी कुछ पिक्चर्स लेके आया था। अंदर आ जाओ। आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। शांतनु भाई, ये एक्टर विकी, ये हमारे डायरेक्टर शांतनु भाई। हाय। हाय सर, गुड टू सी यू। नीता मैम। हाय मैम। हाय। शांतनु भाई ये फोटो है, जरा देख लो। इससे पहले भी कुछ काम किया आपने? हाँ मैम किया है ना, वो सुराज सर है ना, उनकी एकेडमी से एक्टिंग कोर्स किया है। वो तो इस शहर की जानी मानी एकेडमी है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही सर। नाइस। तो मिस्टर अक्षय, अक्षय अक्षय अरोड़ा जी, कुछ बताओ अपने बारे में। सर क्या बताऊँ, मतलब दिल्ली से ही हूँ, फादर का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सर एक्टिंग करना चाहता हूँ, सीरियस एक्टिंग। गाड़ी है तुम्हारे पास? गाड़ी? गाड़ी कार? हाँ है ना सर, वो पापा ने अभी नई नई गाड़ी ली है। पर गाड़ी क्यों मतलब? अरे अक्षय, एक्टर कैरेक्टर में तो फिट होना चाहिए ना, आई मीन जो हमारा हीरो है वो दिखने में अमीर है। जी जी, बातों से अमीर है, एंड आई थिंक तुम हो ही अमीर हो ना? हाँ ऑफकोर्स सर। तो तुम लुक वाइज और बैकग्राउंड वाइज दोनों वाइज फिट हो। मतलब सर? हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट है, टीम भी हार्ड वर्किंग है, बस प्रॉब्लम यही है कि प्रोड्यूसर को लुक और फील समझाने के लिए हमें एक मॉक शूट करना है जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कुछ पैसे लगा के अपनी शोरील बना सके, ताकि हम प्रोड्यूसर को कन्विंस कर सकें। और फिर नीता ने भी ये घर फ्री में दिया हमें शूटिंग के लिए, और स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी है, लेकिन शूट स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है। शांतनु भाई, फिर रिहर्सल कब से शुरू करनी है? आज रात से। आज रात से? ओ काजल काजल काजल, दिन तो तुम्हारे बिना बीत जाता है पर रात नहीं कटती, तुम्हारी बहुत याद आती है काजल, आई मिस यू काजल। भाई कैसा था? बढ़िया किया ना मैंने एक्टिंग? नाइस। भाई ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे। हाँ वेरी नाइस। नीता क्या लगता है तुम्हें, ये रोल कर पाएगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये कर पाएगा यार। क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये कर पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कितना ब्राइट स्टूडेंट था मैं, जानता है कितने हजार स्टूडेंट्स में से मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ था स्कॉलरशिप के लिए? कितने कितने?
याद नहीं, लेकिन जब याद ही क्यों नहीं, लेकिन जब पैनल ने पूछा स्कॉलरशिप के 2 लाख का क्या करोगे, मैंने कहा दारू पीऊंगा। ये लो पाजी, खाओ खाओ। अरे यार इस खिला खिला के पेट भरेगा, चिकन आया कि नहीं? चिकन तो नहीं। जज कर रहे हो कि कैसी लड़की है, जॉइंट पी रही है? मैं तो एक्चुअली ये सोच रहा था कि एक दो पफ मुझे भी मिल सकते हैं। You smoke? हाँ, कभी कभी। ले, ती लंबी उम्र है उसकी, बात कर रहे तेरे फोन आ गया उसका। उतर के तय तू? अरे तेरी माँ यहां परेशान हो रही है। ओ जी, मेरे पुत्र को किसी ने अगवा कर लिया है जी। फोन आया था मेरे बेटे के फोन से, बोला 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं देंगे तो वो मेरे बेटे को जान से मार देंगे सर। और उन्होंने ये भी कहा कि अब दोबारा फोन करेंगे, पैसे कहाँ और कैसे देने। आप बैठिए, फिर बताइए मुझे आराम से। मेरे बेटे ने बचा लो सर, थोड़ा रब दा वास्ता। बैठिए आप, चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अपने बेटे का फोन नंबर और फोटो दीजिए। जी, नंबर है जी 9619237। जी, रावत, ये फोन ट्रेस पे डालो, कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लास्ट लोकेशन पता करवाओ। सर, उम्र क्या है आपके बेटे की? 22 साल का है जी। करता क्या है? अरे करेगा क्या सर जी, उस पे तो एक्टिंग करने का भूत सवार है। कुछ दिन पहले उसने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। 2 लाख? 2 रुपए भी नहीं दूंगा मैं। मैंने तो सुना से के पिक्चर बनाने वाले पैर देते हैं, उल्टे तेल से मांग रहे हैं। पापा जी, 2 लाख रुपए की बात है, प्लीज दे दो ना। मम्मी मम्मी बोलो ना पापा जी को, दे दो ना इसे पैसे, एक ही तो बेटा है हमारा, कर लेने दो ना एक बार इसे अपने मन की। तो आपने दिए उसे? नहीं सर जी, पर कुछ दिन बाद मैंने अलमारी में चेक किया, जो कैश मेरे पास पड़ा था उसमें 2 लाख रुपए कम थे। हाँ, मैंने पैसे निकाल लिए, आप अपनी मर्जी से तो देने रहे थे, इसीलिए मैंने निकाल लिए। पापा जी, आपकी वजह से मैं इतना बड़ा रोल, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकता हूँ। और जिस दिन मैं बड़ा स्टार बन गया ना पापा जी, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दूंगा। पुत्र, तू समझ नहीं रहा, समझ? एक ये तेरा पागलपन तेनू ले डूबेगा। आप लोगों को पता है आपका बेटा कौन सी फिल्म में काम कर रहा था या किन लोगों के साथ काम कर रहा था? नहीं सर। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, आपके बेटे को एक्टिंग का शौक था, ये भी हो सकता है कि आपसे पैसे निकलवाने के लिए उसने किडनैपिंग का नाटक रचा हो। ऐसे कई केसेस आए हैं हमारे पास। नहीं सर, नहीं, मेरा अक्षय उस तरह का लड़का नहीं है, वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता सर। सर, अक्षय के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फोन राजेंद्र नगर में स्विच ऑफ हुआ है। हमने पिछले 1 महीने की उसके मोबाइल लोकेशन चेक की तो पता चला कि पिछले 1 महीने से वो हर रोज राजेंद्र नगर जा रहा था। रावत, अगर उसकी किडनैपिंग का इस फिल्म से कोई लेना देना है तो हो सकता है वो वहीं कहीं। सर, अक्षय के मोबाइल की लास्ट लोकेशन राजेंद्र नगर थी। पुलिस ने राजेंद्र नगर एरिया में अक्षय की फोटो दिखाकर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश की,
और उनकी उम्मीद रंग लाई। सुनो जरा, इस लड़के को देखा है? हाँ साहब, ये लड़का एक महीने से रोज यहाँ आता था। कहाँ आता जाता था ये? 402 में। इस लड़के का तो पता नहीं, पर इस फ्लैट में नीता नाम की लड़की रहती है और 3-4 लड़कों का रोज आना जाना रहता था। शायद कुछ फिल्म विल्म का काम चल रहा है और बहुत हल्ला मचाते थे। ओह हेलो नीता, तुम्हारे घर से बहुत शोर आ रहा है, सो भी नहीं पा रहे हम लोग। रियली सॉरी आंटी, रियली रियली सॉरी, अभी नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू, आप आराम से सो जाइए। आखिरी बार कब देखा था आपने नीता को? आखिरी बार 1-2 दिन पहले देखा था, उसके बाद कहाँ गई है पता नहीं। इसका नंबर होगा आपके पास? हाँ ये नंबर है। नहीं सर, नंबर तो स्विच ऑफ है। एक काम कीजिए, नीता आपको जब भी मिले या आपको लगे वो वापस आ गई है तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। रावत सर, ये नीता का फ्लैट खुलवाने की कोर्ट से परमिशन लो। जी सर। रेडी रोल एक्शन। सच बताओ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं डरता था। नीता और अक्षय दोनों के फोन स्विच ऑफ हैं और दोनों के फोन की लास्ट लोकेशन राजेंद्र नगर के उस फ्लैट के आसपास की ही है जिस फ्लैट में ये लोग रिहर्सल किया करते थे। और उस फ्लैट में इन दोनों के अलावा और 2-3 लोग थे जिनका वहां आना जाना था। कौन लोग हो सकते हैं? रावत एक काम करो, नीता और अक्षय दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी कॉमन नंबर हैं सबकी एक लिस्ट बनाओ। अगर ये सब लोग साथ में थे तो जरूर इन दोनों की कॉल लिस्ट में उन लोगों के भी नंबर्स होंगे। सर एक्सक्यूज मी, हेलो, गुड, तुम वही मिलो हमें। सर कोर्ट से फ्लैट खोलने का ऑर्डर आ गया। सर ये सब कुछ देख के तो लगता है शूटिंग यही चल रही थी। रावत शूटिंग ही नहीं, यहाँ शूटिंग के अलावा और बहुत कुछ चल रहा था। पूरा घर अच्छी तरह से चेक करो। सर इसमें कुछ है, काफी भारी लग रहा है। खोलो इसे। सर ये तो अक्षय है। रावत सर एम्बुलेंस को फोन करो। सर रावत फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और सारे सबूत इकट्ठा करो। सूटकेस भी नया लग रहा है, हाल ही में खरीदा हुआ लगता, पता करो कहां से खरीदा गया। सर अक्षय ने फिल्मी दुनिया के आसमान पर स्टार बनकर चमकने के सपने देखे थे पर वो सपने उसके पिता की नजर में बेकार थे, इसलिए उन्होंने उन सपनों को कभी अहमियत नहीं दी। जाहिर है कि पिता के दिल में बेटे के लिए आशीर्वाद था और वो उससे कुछ बेहतर बनते देखना चाहते थे, पर अपने बेटे के नजरिए को अनदेखा करना भी तो सही नहीं हुआ। साफ सीसीटीवी तो खराब है, कल उन लड़कों में से कौन कौन आया था वो तो याद नहीं है। लेकिन साहब जिस लड़के का खून हुआ है वो लड़का उस लड़की घर में अक्सर रुकता भी था, और हाँ साहब एक लड़का और था वो भी उसका रुकता था। सर इसमें रेंट एग्रीमेंट और नीता के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है। रावत सर इसका एड्रेस चेक करो और ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट निकालवा लो। सर
सर नीता के लाइसेंस पर जो एड्रेस है वो लोग यहाँ से 6 महीने पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं। ये देखिए सर, पिछले 2 हफ्तों में अक्षय के मोबाइल की लोकेशन नीता के घर के पास की है। सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी। रावत, कहीं ऐसा तो नहीं नीता और अक्षय के बीच में अफेयर चल रहा था, दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो और नीता के हाथों अक्षय का कत्ल हो गया हो? लेकिन सर अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी। और जिस हालत में हमें अक्षय की डेड बॉडी मिली थी उसे देखिए लगता नहीं कि एक अकेली औरत ने उसे ओवरपावर किया। हाँ तो हो सकता है कि नीता अकेली ना हो, नीता के फ्लैट में उसके अलावा और भी जो लड़के आया जाया करते थे उनमें से किसी के साथ मिलकर नीता ने इस काम को अंजाम दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है उन लड़कों में से किसी ने अक्षय को फिल्म के जाल में फंसाया और उसे मार दिया। रावत, ये जितने भी लड़के हैं कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं, सबके बारे में अच्छी तरह से पता करो सर। लेकिन सर मुझे इस केस में एक बात खटक रही है, अगर किडनैपर्स ने रैनसम कॉल किया है तो पैसे क्यों नहीं लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले से ही पता चल गया था कि अक्षय के माँ बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? हो सकता है रावत, इन लड़कों में से एक भी अगर हमारे हाथ लग गया ना तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। सर मैंने नहीं पता उसके कौन कौन से दोस्त थे, किससे मिलता जुलता था, कहाँ जाता था, कुछ नहीं पता। ना उसने कभी बताया सी, ना मैंने कभी पूछा सी। इकलौती औलाद थी, बहुत प्यार से पाला था हमने हमारे पुत्र को सर, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है सर। फोटो पे हार चढ़ाने की। एक बार ही पूछा सी कहाँ जाता है, वो एक्टिंग वेक्टिंग की मीटिंग कहाँ होती है, तो बोला कि मंडी हाउस के पास कोई कैफे शेफे है वहीं मिलते हैं सर। कैफे का नाम बताया उसने कुछ? नहीं सर। रावत, मंडी हाउस सर्कल में हर कैफे हाउस में जाकर पता करना होगा कि अक्षय किसके पास जाता था, कहाँ बैठता था। राइट सर। सुनो, जानते हो उसे? क्या हुआ साहब, क्या किया इसे? इसे जानते हो? नाम से तो नहीं जानता पर बहुत बार देखा है इसे यहाँ पर। इसके साथ 2-4 लोग और हुआ करते थे, सब लोग मिलकर फिल्म बनाने की बात किया करते थे, लेकिन 2 दिन से आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। इस लड़के की मौत हो गई, इसके साथ वाले सब गायब, इनके फिल्म बनाने के अलावा और क्या जानते हो इस ग्रुप के बारे में? साहब इसका ग्रुप हमेशा उस टेबल पर बैठता था और इनमें से एक था जो इनके ग्रुप बनने से पहले अलग बैठता था उस कोने पर। नींद ने ना जाने क्यों बेरुखी की है हमसे, कमबख्त रात करवटों में बीतती है। ख्वाब ही एक जरिया था तुझसे मिलने का, अपने मन का कुछ कहने का, कुछ सुनने का। क्या बात है? उसके बारे में सब बोलते थे कि पूना फिल्म स्कूल से पढ़कर आया है और बहुत बड़ा राइटर है, बहुत अच्छी कविताएं लिखता था वो, बहुत ही अच्छा था। बढ़िया, कुछ और भी सुना लेंगे ना? आप अगर इतनी अदब से कहेंगी 1 या 10 और सुना देंगे। ये थी? हाँ साहब यही थी, इसी के साथ वो राइटर घूमा करता था और 24 घंटे फिल्में बनाने की बात किया करता था। सब स्ट्रगलर थे साहब, अपना काम बनाने के लिए एक दूसरे की चापलूसी किया करते थे। कोई कहानी बेचता था, कोई गाना बेचता था, कोई एक्टिंग बेचता था, कोई एडी बनना चाहता था। भाई भाई मैं विक्की भाई, आप फिल्म बना रहे हो? हाँ भाई, मुझे ना डायरेक्टर बनना है, बड़ा बड़ा शौक है मुझे, एडी एडी वाली जॉब दे दो मेरे को, बस मैं सब कुछ कर लूंगा भाई। ये 3 ही लोग थे? नहीं साहब, एक कैमरामैन भी था, हेमंत कापसी नाम था उसका। तुम्हें बाकी किसी का नाम याद नहीं है? कैमरामैन हेमंत कापसी का नाम याद है? कैसे नहीं रहेगा याद सर, वो देखिए वहां पर वो अपना नाम और नंबर लिख कर गया। वीडियो फोटोग्राफर हेमंत कापसी। क्या बात कर रहे हो सर जी, अक्षय का खून हो गया, कब कैसे? बैठ जा। तू कैमरामैन के साथ एक्टर भी है क्या? नहीं सर। तो फिर इतनी गंदी एक्टिंग क्यों कर रहा है? पिछले 3 दिनों से हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज़पेपर पर अक्षय की मौत की खबर चल रही है और तुझे ही नहीं पता? साहब भगवान कसम मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता था। 17 तारीख को नीता के फ्लैट में रिहर्सल हुई थी? हाँ साहब 17 को हुई थी। 18 तारीख को भी हुई थी? नहीं साहब 18 वाली कैंसिल हो गई थी, वो शांत्रु को मुंबई जाना था फाइनेंसर से मिलने के लिए इसलिए। अच्छा एक बात बता, ये नीता शांतनु और विकी किस तरह के लोग हैं? अब ठीक ही लोग हैं, मतलब विक्की तो बेचारा एडी था शांतनु का, ये नीता और शांतनु साहब ये बहुत स्मार्ट लोग हैं।
इन्हीं ने मेरे को कन्विंस किया था ये वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन उसके बाद पता चला ये जो शांतनु एक नंबर का शराबी आदमी है साहब, एक नंबर का, मतलब दिन रात शराबी चाहिए उसको। और इनिता, इसका तो क्या ही बताऊं साहब आपको मैं, एक दिन मैंने देखा था मतलब नीता और शांतनु का अफेयर चल रहा था। अरे साहब अफेयर की बात छोड़ो आप, ये तो लगी मामला था, शांतनु के साथ साथ अक्षय से भी चोंच लड़ा रही थी। जिस दिन अक्षय ने 2 लाख रुपए दिए थे उसी रात पार्टी की थी, और साहब मैंने पार्टी के बाद अक्षय और नीता को एक साथ देखा था। तुम्हारा मतलब है नीता शांतनु को धोखा दे रही थी? लगा तो साहब मेरे को भी यही था, क्योंकि नीता शांतनु के साथ काफी पहले से थी, अक्षय तो अभी आया था। लेकिन साहब मेरे को लगता है जिस दिन नीता और अक्षय ने एक साथ गांजा फूका ना, उसके बाद नीता को अक्षय अच्छा लगने लग गया था। नीता ड्रग्स लेती थी? अब क्या बताऊं साहब, ड्रग्स के बिना उसका चलता ही नहीं है, एक नंबर की चर्सी है साहब, एक नंबर की। फिर विकी की माँ शांतनु का नंबर दे। ये हेमंत कुछ ज्यादा ही बोल रहा, नीता और शांतनु पर सीधा सीधा शक डाल रहा, इस पर नजर रखो। लेकिन सर हो सकता है सच बोल रहा हूँ, क्योंकि नीता की तरह शांतनु का भी तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या शांतनु का फोन भी सर्विलेंस पे डालो, नीता की फोटोग्राफ सब खबरियों को दो, उनसे चौकन्ना रहने को कहो। अगर नीता को ड्रग्स की आदत है वो ड्रग्स लेने के लिए बाहर जरूर निकलेगी। पुलिस ने शांतनु से संपर्क करने की कोशिश की पर उसका फोन 18 अप्रैल के बाद से लगातार बंद आ रहा था। नीता का फोन भी तभी से बंद था, पर नीता की ड्रग एडिक्ट वाली बात पता लगते ही उन्होंने अपने खबरियों को सतर्क कर दिया था कि जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उन पर नजर रखी जाए। पुलिस ने विक्की की मां से भी पूछताछ करने का तय किया। विक्की तो 2 दिन से ऑफिस गया ही नहीं है, कह रहा था ऑफिस बंद है। उसके साहब बाहर जाने वाले थे, मुझसे 500 रुपया ये बोल के लेके गया कि कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये बताया नहीं। सर मुझे तो लगता है पकड़े जाने के डर से विकी फरार हो गया। हाँ लेकिन क्यों रावत, कहीं ऐसा तो नहीं विकी ने पैसे के लालच में अक्षय को किडनैप कर लिया और पकड़े जाने के डर से उसे मार दिया हो? इस विकी की माली हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है और सपने उसके बहुत बड़े। सर पूना फिल्म स्कूल से शांतनु का एड्रेस और उसके पिता का फोन नंबर मिला है, वो यूपी कानपुर का रहने वाला है। उसके पिता के साथ भी हमारी बात हुई, उनको यह बात जानकर बहुत दुख हुआ कि पुलिस शांतनु के पीछे पड़ी एक मर्डर के सिलसिले में। उन्होंने ये भी बताया कि अगर शांतनु फैमिली को कॉन्टैक्ट करता है तो तुरंत हमें फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे। तो शांतनु के फिल्म स्कूल वालों का कहना है कि शांतनु अपने आप में रहने वाला बंदा था, खास कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी कभी नहीं थे। और हाँ सर, नीता के बारे में भी एक लीड मिली, उम्मीद है वो बहुत जल्द हमारे हाथ लग जाए। नीता शांतनु और विकी तीनों गायब थे, पुलिस तीनों की तलाश कर रही थी। उन्होंने शांतनु का फोन सर्वेलेंस पे डाला था, पुलिस विकी की माँ का फोन भी टैप कर रही थी और उनके खबरी नीता की तलाश में हर ड्रग पेडलर से पूछताछ कर रहे थे। ये हाथी है? हाँ। ये तो अपनी रेगुलर कस्टमर है, हर 2 दिन में आती है, आ जा सकती है। देना इस बार 2 पैकेट देना। इधर गाड़ी में। ये एक सेकंड क्या क्यों लेकर जल्दी? अरे यहाँ पर क्यों लेकर आए आप मुझे? मैंने कुछ किया नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, आप मुझे यहाँ पर नहीं ला सकते इस तरह से। शट अप। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, ड्रग्स खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकते हैं हम तुम्हें। देखो हमारे सवालों का सीधे सीधे जवाब दो, ना अपना वक्त खराब करो ना हमारा। तुम्हें पता है अक्षय का खून हो गया और उसका खून तुम ही ने किया है, इसलिए तुम चुप कर बैठी हुई। मैंने नहीं किया है। तुमने कुछ किया है या नहीं किया है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। ये बताओ कि विकी और शांतनु हैं कहाँ? मुझे नहीं पता दोनों कहाँ हैं। अच्छा चलो, शांतनु के दिल्ली का एड्रेस दो हमें, फोन तो उसका यहाँ स्विच ऑफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई की कहानी बना के वो दिल्ली में छुपा बैठा है। शांतनु और मैं एक ही साथ रहते थे,
मैं शांतनु को मंडी हाउस में मिली थी और फिर दोस्ती शुरू हुई, दोस्ती के बाद काम शुरू हुआ और फिर अफेयर। अफेयर? शांतनु के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। शांतनु के साथ तो था ही, और फिर बाद में जब अक्षय 2 लाख रुपए लेके आया तो अक्षय के साथ भी अफेयर। अरे कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग, शांतनु के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था, मैं कह चुकी हूँ। और अक्षय, हाँ मैं उसे पसंद करती थी। यही तो, अक्षय तुम्हें पसंद था, उसके बावजूद भी तुम शांतनु और अक्षय दोनों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व थी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये किसने बोला आपको? तुम्हारा ही कैमरामैन ने। That cheap sir, अब मुझे समझ में आया, ये भी कि अक्षय का खून किसने किया? मतलब? पार्टी के रात मेरा अक्षय के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना और उसके अगले दिन मैं घर पर अकेली थी और तुम इस टाइम यहाँ? बस वो तुम्हें कुछ दिखाना था, कल रात की फोटो। ओ पार्टी की फोटो, वेरी नाइस यार, सो कूल। अच्छी लगी ना? हाँ, इतनी अच्छी फोटो मेरी कभी खींची नहीं है। देखो देखो आगे देखो। क्या बकवास है ये? क्या ये? अरे ना, इतनी जल्दी थोड़ा डिलीट करने दूंगा, तो शांतनु को दिखाऊंगा। अच्छा चल, नहीं दिखाता शांतनु, लेकिन उसके लिए मेरे साथ ऐसा ही पोज लगाना पड़ेगा। अरे भाई इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा इनाम तो हमें भी मिलना चाहिए। चला जा। अबे ओ, फ्री माइंडेड हूँ, ओपन माइंडेड हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ भी सो जाऊंगी। अरे तो मैंने कौन सा तेरे हाथ में लिस्ट थमा दी, जहाँ अक्षय और शांतनु वहाँ हेमंत और सही। घटिया आदमी अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ से निकल ले, वरना तो इतना मार खाएगा ना कि समझ में नहीं आया तेरे को। जल्दी निकल, मैं कल आ जाऊंगा। आज, आज गुस्सा, कल दोबारा। झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोला हमसे? नीता के साथ सोना चाहता था और जब ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अक्षय ने नीता की वजह से तेरी बेइज्जती कर दी, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने अक्षय को ही मार डाला। कब और कैसे मारा उसे? बोल। मैंने अक्षय को नहीं मारा साहब, नहीं मारा मैंने। हाँ साहब, लेकिन उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था जब अक्षय ने औकात औकात बोल के मेरी बेइज्जती की थी। साले दो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई नीता से ऐसी घटिया बात करने की? अरे ओ घना ज्ञान मत मार, समझा तू क्या करेगा? तू क्या लगती है वो तेरी बहन लगती है? ए, अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? साथ में बिठा लिया, खिला पिला लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी तरह बड़ा आदमी बन गया। औकात की बात मत करियो, तू समझ गया? करूंगा। 500 रुपए पड़े की औकात है तेरी, 500 रुपए। अबे क्या चाहिए तेरे को? अरे लैला चाहिए तो रख लेना, लेकिन ये औकात औकात की बात मेरे सामने मत करियो तू। नहीं तो क्या करेगा? हाँ बेटा समझा रहा हूँ, आखिरी बार दूर रहियो नीता से, नहीं तो अगली बार बोल के नहीं करके दिखाऊंगा। अरे क्या करेगा तू? हाथ लगा रहा मेरे, हाथ लगा रहा मेरे। अरे स्टॉप, क्या चल रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? मरेगा तू मेरे हाथों से। अबे तू मरेगा मेरे हाथ से, चल। सब आप एक बात बताओ, क्या गरीब आदमी जो मेहनत करता है उसकी कोई औकात नहीं होती क्या? लेकिन साहब मैं ठहरा गरीब आदमी, गुस्सा भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ भूल के अपने काम में लग गया। सब कुछ भूल गया? तेरे मोबाइल की लोकेशन साफ साफ ये बताती है, 18 तारीख को 11 से 12 बजे के बीच में तू राजेंद्र नगर में ही था, जबकि उस दिन तेरी रिहर्सल कैंसिल हो गई थी, और अक्षय की मौत भी 11 से 12 बजे के बीच में ही हुई है। बोल क्या करने गया था? सीधी तरह से बोल। साहब मैं नीता के घर जरूर गया था, लेकिन अक्षय को मारने नहीं गया था। फिर क्या करने गया था? सब उस दिन मैं उसी एरिया में था, तो मैंने अक्षय को नीता के घर जाते हुए देखा, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि आज तो रिहर्सल कैंसिल है, तो अक्षय क्या करने जा रहा है? तब मेरे दिमाग में आया कि अक्षय जरूर मजे लेने जा रहा होगा नीता के साथ, इसलिए आज फोटो नहीं, आज वीडियो बनाऊंगा और शांतनु को दिखाऊंगा। लेकिन साहब जब मैं वहां गया तो साला लगा पड़ा हूँ अंदर, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे दोनों। मैंने काफी देर दरवाजा खटखटाया और थक हार के मैं वापिस चला गया।
लेकिन अब मेरी समझ में आया कि वहां चल क्या रहा होगा अंदर। क्या चल रहा होगा साहब? शांतनु जब घर वापस आया होगा तो उसे अक्षय और नीता के बारे में पता चल गया होगा, और फिर नीता ने अक्षय को घर पर बुलाया होगा, और शांतनु ने गुस्से में आके अक्षय को मार दिया होगा। साहब शांतनु वैसे भी अक्षय को कुछ बोल नहीं पा रहा होगा, क्योंकि अक्षय उसे भी बार बार औकात औकात वाली बात बोल के ये बोलता होगा कि तू मेरे 2 लाख लेके बैठा है। साहब शांतनु और नीता ने अक्षय का काम तमाम कर दिया होगा। तू क्या सोचता है, तेरी इस कहानी पे मैं यकीन करूंगा? 2 टके का फोटोग्राफर, चवन्नी तेरी जेब में नहीं है, करोड़ों रुपए के तू सपने देखता है, तू हमें थ्योरी सिखाएगा? औकात भूल गया तू अपनी? आप औकात की बात मत करो। आप औकात की बात करूंगा तो क्या करेगा तू? हाथ उठाएगा? चल मार। अब आ गई अपनी औकात याद? इंसान को औकात की बात मत करो, वरना क्या करेगा? बहुत बुरा होगा साहब, बहुत बुरा होगा। आनंद भाई वो प्रॉप लेके आना था ना, जल्दी से लेकर, अभी सीन स्टार्ट होने वाला, जल्दी से। क्यों तू बार बार कॉल कर रहा है यार? मैंने तो कितनी बार समझाया मुझे नहीं खरीदना तो मतलब नहीं खरीदना। सॉरी भैया, सॉरी, वो मुझे लगा कि वो लैंडलाइन से कॉल था ना। 10,000? अगर इस हेमंत को औकात शब्द सुनकर इतना गुस्सा आता है, फिर तो ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है। सर मुझे ये नीता भी इनोसेंट नहीं लगती, मुझे तो लगता है ये दोनों जानबूझकर हमारे सामने एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों ने मिलकर अक्षय को मार दिया हो। पॉसिबल है, बैठा के रखो दोनों को, छोड़ना मत। सर और सर ये केस नीता के बाद और उलझ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है नीता और हेमंत में सच कौन बोल रहा है। अरे आप मेरा यकीन कीजिए ना प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी बात का यकीन करें, अक्षय की मौत के बाद जो लड़की गायब थी जिसका फोन स्विच ऑफ था, तुम्हारी बात का यकीन करें हम? मैं बता रही हूँ सब कुछ आपको। देखिए हफ्ते के 2-3 दिन मैं अपनी माँ के घर पे जाती हूँ। इस बार मैं 17 तारीख को घर पे गई थी, पर अचानक से सुबह उठकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, इसलिए मैं वापस घर आ गई। से बहुत प्यार करती, मैं उसको मारने की कभी सोच भी नहीं सकती थी, और मैं वो लाश देख के बहुत डर गई थी। मैं वहां से भागी और यहां वहां भटक रही थी, जब तक वो ड्रग्स का नशा रह रहा था तब तक मैं सुकून में थी, वरना मैं बहुत बहुत परेशान रह रही थी। हेलो, गुड सर, सूटकेस कहां से खरीदा गया था पता चल गया है। देखो जाके सब। इस मॉडल और सीरियल नंबर के लगेज बैग तुम्हारे दुकान से बिका है, देखो मर्डर का मामला है, इन सब को अच्छे से देखो, और सच सच बताओ इन चारों में से वो कौन था जो तुम्हारे दुकान से लगेज बैग खरीद के लेके गया था। ये था सर। पक्का? 100% सर। क्या तुझे उस लुक्के की हेल्प करने के लिए पैसे उधार चाहिए? यार ऐसा मत बोल यार, वो अच्छा इंसान है। अबे न्यूज़पेपर पढ़ता है कि नहीं? दिल्ली की पुलिस मर्डर के केस में ढूंढ रही है उसे, और हाँ उससे दूर रह नहीं तो तू भी मरेगा। जनाब विक्की ने अभी 1 मिनट पहले अपनी माँ को कॉल किया। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से जनाब, वहाँ उसके मामा रहते हैं। महेंद्रगढ़ पुलिस से कांटेक्ट करो, उठा लाओ उसे। मामी जी आता हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। के भाई किधर जा रहा है?
क्या क्या हुआ सर जी? चल थाने में, तेरे को साइकिल चलाना सिखवाता हूँ। डैड सर जी, डैड बोल क्यों मारा था अक्षय को? सर जी मैंने मारा नहीं, बस वो सूटकेस मैंने खरीद कर लेकर दिया था। किसने मंगवाया? हेमंत ने? तो फिर किसने मंगवाया? किसने मंगवाया? बोल शांतनु भाई ने। वो उस दिन 11 बजे के आसपास मेरे घर आए थे। अरे शांतनु भाई, अरे विक्की हमारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमें गांव जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। ये भी नहीं पता हम वापस कब तक आएंगे। विक्की हमें एक बड़ा सूट केस चाहिए था, सोचा पास में तुम ही रहते हो, तुमसे ही कह दें। सूट केस का इंतज़ाम कर दोगे? भाई सूट केस तो है ही नहीं मेरे पास, पर एक दोस्त है बैग की दुकान में काम करता है, वो जुगाड़ लगा सकता है। अखबार में देखा कि अक्षय की बॉडी सूट केस में मिली है, वो सूट केस मैंने ही खरीद कर ला के दिया था, इसलिए मुझे पता था कि मैं ही फंसूंगा। मैं बहुत डर गया और मैं इसलिए मैं भाग गया सर जी। इसका मतलब शांतनु मेन सस्पेक्ट है। सर ये दिल्ली मर्डर केस में जो सस्पेक्ट है ना सर, ये मुझे हर रोज गोरखपुर से किसी लैंडलाइन से कॉल करता था। प्लीज सर आप दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, सर मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। उसका फोन किस नंबर से आया था? एक मिनट, हेलो, हाँ कौन? थैंक यू इंस्पेक्टर। फिल्म बनाते हैं, चल साहब मेरी, चल। अक्षय को तो तूने मारा ही, अब ये बता क्यों और कैसे मारा? साहब अक्षय के दिए हुए 2 लाख रुपए तो छोटी मोटी चीजों में ही खर्च हो गए थे, मुझे लगा अगर एक बार 2 लाख रुपए जुटा सकता है तो दूसरी बार भी लेता आएगा। 17 तारीख को रिहर्सल्स के बाद मैंने उससे बात की। अक्षय यार वो फिल्म की शोरील बनने में कुछ बस 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। देखो अभी इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, अगर तुम्हें कुछ मतलब, ये तो साफ साफ चीटिंग हुई ना, मैंने पहले भी आपको पैसे दिए ना बिना कोई सवाल किए, और आप मुझसे फिर से पैसे मांग रहे हो, और ये नाटक मत करो मेरे साथ आप। प्लीज तू भड़क क्यों रहा है? एक्टर शुड बी वेरी काम डाउन पर्सनैलिटी। या तू सोच अगर फिल्म की शोरील इतनी ग्रैंड बन रही है तो फिल्म का कैनवास कितना बड़ा होगा। भाई मुझे कोई हीरो वीरो नहीं लगना, और जो आपका कैनवास है ना वो आप अपने पास रखो। यार मुझे इस घर में सवाल जवाब देने पड़ते हैं ना, पूछते हैं वो मुझसे कब फिल्म बनेगी, कब पूरी होगी फिल्म। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास फाइनेंसर होगा ना तभी फिल्म बनाना, वरना मेरे पीछे मत पड़ना। अक्षय चला गया, नीता भी अपनी माँ के घर चली गई, मुझे पता था वो 3-4 दिन के लिए गई है, अभी तो नहीं आएगी। उसके घर की चाबी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा इस बात का फायदा उठाया जाए, अक्षय से कुछ पैसे निकलवा के मैं मुंबई चला जाऊँगा, वहाँ जाके स्ट्रगल करूँगा, कुछ डार्क से कुछ नई फिल्म बना देता हूँ, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन साहब 18 की सुबह मैंने अक्षय को फ़ोन किया, उससे बीती रात के लिए माफ़ी भी मांगी, उसको बोला एक काम कर तू आ जा नीता के घर, तेरे कुछ वीडियोज़ बनाने, वहाँ जाके फाइनेंसर को दिखाऊँगा। वो खुशी खुशी आ गया, उसने मना भी नहीं किया। भाई क्या कर रहे हो आप, ये सीन तो हम पहले भी शूट कर चुके हैं ना। अरे अक्षय रात को क्लाइमेक्स का नया आइडिया आया है, शूट करके दिखाता हूँ, देखो क्या धांसू लगेगा। इतना टाइट क्यों बांध दिया आपने? हेलो, तुम्हारा बेटा अक्षय मेरे कब्जे में, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो 2 लाख रुपए इकट्ठा करके रखो, अगले फोन पे बताऊंगा पैसे कब और कहाँ लेके आने। अक्षय
अक्षय, कसम से मैंने मारना नहीं चाहता था उसे साहब, डर गया था मैं उसका मुंह बंद करने के चक्कर में कब गला दब गया समझ में नहीं आया साहब, बड़ी जल्दी जल्दी में हो गया। फिर साहब याद आया इसकी बॉडी को कहीं ना कहीं तो दफनाना पड़ेगा, तो विक्की असिस्टेंट डायरेक्टर उसको बोला सूटकेस लाने के लिए, जैसे तैसे अक्षय की बॉडी को उसमें ठूस ठूस के भर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी उसकी बॉडी बहुत भारी थी, जमुना कैसे फेंक के आता, प्लान के हिसाब से उसका फ़ोन जमुना में फेंक दिया था। और सच बताऊँ साहब, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे साहब, फिर अचानक से मुझे लोकेश की याद आई जो फिल्म स्कूल में मेरा जूनियर था। मुझे लगा मैं इससे कुछ पैसे ले लेता हूँ, कुछ दिन काम चल जाएगा। 10,000? लेकिन साहब जिंदगी में क्या करना चाहा था और क्या हो गया। शांतनु फिल्म बनाने की चाहत में इस कदर पागल था कि उसके लिए किसी की जान लेना भी उसे गलत नहीं लगा, पर अब उसे फिल्म बनाने का मौका कभी नहीं मिलेगा क्योंकि अपनी जिंदगी का एक बड़ा समय उसको जेल में गुजारना होगा। शायद तब उसे सही और गलत का फर्क समझ में आने लगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।